दोस्तों नमस्कार। हरियाणा जीके का सेगमेंट मैंने आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आज से मैं एक नया सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ, हरियाणा इंडियन ज्योग्राफी का, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी आपकी बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है एग्ज़ाम्स में, और इसी के बेसिस पे आपकी हिस्ट्री आप पढ़ पाएंगे, उस पर फिर पॉलिटी आपकी बेस आ जाती है। तो सबसे पहली जो आज की वीडियो रहेगी वो हम डिस्कस करेंगे हमारा जो प्यारा भारत देश है, जो एक मनमोहक मानचित्र आप अपने मनमोहक आँखों से देख पा रहे होंगे, ये जो चित्र है इसके ऊपर हमें सारी की सारी कथा आज जो है वो सुननी है। इसके कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे एक तो आपको यही दिख रहा होगा कि भारत के बीच से होके ये जो लाइन जा रही है, इसको भी देखेंगे अभी क्या कहते हैं। लेकिन पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये जो मानचित्र है ये विश्व मानचित्र के कौन से हिस्से में पड़ता है, वो सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि तीन रेखाएं होती हैं आपकी, एक को हम कहते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा, अंग्रेज़ी में इक्वेटर कह देते हैं, इसके नीचे होती है एक और 23.5 डिग्री साउथ, जिसको मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। एक रेखा यहाँ है जिसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा कह देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह देते हैं। तो पहली बात, ये जो लाइन है, ये जो ब्लैक आप देख पा रहे हैं और ये रेड दोनों एक ही हैं, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा है ना। तो भारत के बीचों बीच होके ये लाइन जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि भारत 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तरी हिस्से में है। ये उत्तरी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा है। तो पहला सवाल यही बन जाता है कि भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। और अगर ये पूछा जाता है कि कौन सी दिशा में है, तो भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्व में पड़ता है। एक बात आप ये समझ लें कि इंडिया इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चंस तो आपके यहाँ से हो जाते हैं, इनको हम हटा देते हैं। अगला सवाल आता है कि आप अच्छे से जानते हैं कि भारत में 29 राज्य हैं, 7 UT हैं, उनसे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पहले मुझे कर्क रेखा से लेना देना है। कर्क रेखा आप देख रहे हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा पहले हम भारत के अंदर वाले हिस्से पे पढ़ेंगे, फिर हम बाहर वालों पे जाएंगे, क्योंकि एक बार अगर आप अंदर वाले हिस्सों के बारे में जान जाएंगे तो बाहर वाले हिस्सों के बारे में आसानी से आप पढ़ पाएंगे। मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा हिस्सा आपको कंफ्यूज करता है इंडिया के स्टेट्स में, वो ये इधर वाले राज्य हैं जिनको हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कहते हैं। मैप को अगर अच्छे से जानना हो तो उसको दिशाओं के हिसाब से समझना बहुत आवश्यक होता है। जैसे ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो इस तरफ हमारे कौन से स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये देखिए यहाँ पे एक दिल्ली है हमारी, हरियाणा भारत की राजधानी, जिसको तीन ओर से हरियाणा आपका घेर रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी, एक ओर से उत्तर प्रदेश लग रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत के उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं, जैसे ये J&K है, पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, समझ रहे हैं मेरी बात आप। तो सबसे पहले हमें कर्क रेखा को एक बार समझना है ये क्या है। तो साहब पहली बात तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिगरेट के डब्बे पे रखा लिखा हुआ होता है कि तंबाकू का सेवन करने से कर्क रोग होता है, कर्क रोग माने कैंसर होता है, आसानी से आप याद रख सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होके जाती है। दूसरा सवाल, 8 राज्यों से कौन कौन से, ये देखिए साहब, ये गुजरात है, गुजरात, इधर MP से पहले राजस्थान से होके जा रही है, राजस्थान, MP से एक हिस्सा निकला है छत्तीसगढ़। तो साहब 4 हिस्से, 4 राज्य तो आपके ये हो गए, छत्तीसगढ़,
इसी के साथ में है झारखंड, ये वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर जाती है। सबसे अधिक एमपी से होके जाती है, सबसे अधिक मैक्सिमम एमपी से, और सबसे कम राजस्थान से होके जाती है। देख रहे हैं आप, सबसे ज़्यादा एमपी, सबसे ज़्यादा, सबसे कम राजस्थान। आगे जाके जब हम रिवर्स वाला टॉपिक करेंगे तो यहाँ पर एक नदी का जिक्र आएगा साहब, जिसका नाम है माही नदी। माही, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इकलौती नदी। कहाँ पर काटेगी? राजस्थान में काटती है, यहीं से होके जाती है। ऐसे जब रिवर वाला टॉपिक करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी जो ध्यान देने वाली बात ये है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी हमारे राज्य हैं उसमें से 2 ऐसे हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, जहाँ से होकर ये कर्क रेखा पास होती है। इसका मतलब ये है कि पहले हम इधर वाले राज्यों के बारे में, मैं जैसे कि मैंने कहा, हम इस इधर वाले राज्यों के बारे में जानेंगे। तो इधर वाले राज्यों में 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। तो त्रिपुरा और मिजोरम से अगर ये लाइन होके जाती है तो या तो ये त्रिपुरा हो सकता है या ये मिजोरम हो सकता है, एक बात। तो सबसे पहले आप मैप पर कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हेल्प से इन 2 स्टेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये वाला राज्य है त्रिपुरा और साहब ये वाला राज्य है मिजोरम। दिस इज मिजोरम। तो इधर हमारे 2 स्टेट्स हमने आइडेंटिफाई किए, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। ये वाला स्टेट इधर ऊपर सब अच्छे से जानते हैं, BD4 बांग्लादेश के ऊपर है मेघालय। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। और एक राज्य ऐसा है भारत का जिसे चाइना हड़पना चाहता है, नाम बताइए, अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल हमारे इधर 7 राज्य हैं जो उत्तर पूर्व में आते हैं, 7 में से 4 के बारे में आप जानते हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। बचे साहब 3। 3 में एक आपका आता है नागालैंड और एक आता है मणिपुर। तो M नाम के ऐसे राज्य जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, M नाम से 3 राज्य हैं, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। तो 2 तो हमने कर लिए, तीसरा बचा M नाम से जो राज्य आता है वो है मिजोरम, मणिपुर, सॉरी मणिपुर इसके जस्ट ऊपर आएगा। याद कैसे रखेंगे? MM, दोनों का नाम M से है। तो अंग्रेजी भाषा का अक्षर N Z से पहले आता है, Z लास्ट में आता है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। मिजोरम और मणिपुर, एक है नागालैंड। नागालैंड, ये है नागालैंड। नागालैंड फेमस है आपका आदिवासियों के लिए, वहाँ पर आदिवासी लोग बहुत रहते हैं नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में। तो टोटल स्टेट्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक बच गया साहब असम, ये बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है असम। देखिए यहाँ भी है, इधर भी है, ये असम है पूरा, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, पूरा का पूरा असम, ये बीच वाला राज्य है। इंडियन पॉलिटी जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, ये सारे कभी ना कभी असम का हिस्सा रहे थे, इसीलिए असम आपका इधर बड़ा स्टेट है। तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं हमारे पास, गिनिए चलिए, 1, 2, 3, 4 और 3, 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों को कहा जाता है 7 सिस्टर स्टेट्स। एक बात ध्यान देने वाली है, सिक्किम को, सिक्किम भी ऐसा ही है, आपको लगेगा कि इन्हीं में से एक है, लेकिन साहब थोड़ा रुक जाइए, सिक्किम अलग है, 7 सिस्टर स्टेट्स का हिस्सा सिक्किम नहीं है। CDS में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 7 सिस्टर स्टेट्स कौन से हैं, तो बेधड़क आप इन 7 में से नाम ले सकते हैं, लेकिन सिक्किम का नाम आप इनमें नहीं लेंगे। तो आपको मुबारक हो, कर्क रेखा की सहायता से त्रिपुरा और मिजोरम से हम चले थे, आपने ये पता कर लिया कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सही लोकेशन क्या है, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। चलिए मैं इनको हटा रहा हूँ, इनको हटा देते हैं। तो ये हो गया भारत के अंदर की जानकारी, ठीक है। भारत के बाहर देखिए साहब,
भारत के बाहर अलग अलग देशों की सीमा इससे लगती है। जैसे इधर मैं पश्चिम की तरफ बात करूं, पाकिस्तान, इधर ये देखिए अफगानिस्तान, इधर आ जाइए उत्तर पूर्व में चाइना, इधर म्यांमार, पूर्व में फिर बांग्लादेश, उत्तर में नेपाल और भूटान। तो टोटल कितने राज्य हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमा लगती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा भारत से लगती है। दोबारा गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। श्रीलंका के साथ हमारी जलीय सीमा लगती है, स्थलीय सीमा नहीं लगती। तो 7 इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं इंडिया के साथ जो टच होते हैं। अगर हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा का मतलब है यहाँ से लेकर गुजरात के इस बॉर्डर से लेकर और ऊपर, ये सारा मतलब वो सीमा जिसके साथ जल नहीं लगता उसको स्थलीय सीमा कहते हैं, 15,200 किलोमीटर है। और अगर आप जलीय सीमा की बात करेंगे टोटल 7,516 किलोमीटर है। इस जलीय सीमा के अंदर ये वाला बॉर्डर भी शामिल है, देख रहे हैं आप ये, और साथ में ये जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बाउंड्री है वो भी शामिल है। तो टोटल भारत की जो जलीय सीमा है वो 7,516 है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जलीय सीमा किसकी है, गुजरात। एक फिल्म आई थी अभी रईस, सलमान खान साहब की, शाहरुख खान साहब की, तो उसमें गुजरात की सीमा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। मैंने कहा ना, गानों में हर जगह आपकी जीके होती है, बशर्ते आपको पकड़ में आनी चाहिए। तो सबसे बड़ा बॉर्डर गुजरात का है साहब, उसके बाद नंबर आता है आंध्रा का, आंध्रा, उसके बाद तमिलनाडु। ये 3 बड़े स्टेट हैं जो अपने लैंड वाटर बाउंड्री सबसे ज़्यादा है इनके। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम सीमा किसकी है, गोवा। सबसे कम जलीय सीमा आपकी है गोवा, सबसे ज़्यादा गुजरात, सबसे कम गोवा, याद रखिएगा। और अगर हम जलीय सीमा की बात करें तो ये भी आ जाता है कई बार कि भारत के कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। चलिए गिनते हैं, 1 यह महाराष्ट्र है, 2 नीचे गोवा, 3 कर्नाटका, 4 केरला, 5 तमिलनाडु, 6 आंध्रा, 7 उड़ीसा, 8 और वेस्ट बंगाल, 9। तो जलीय सीमा भारत के 9 राज्य बनाते हैं, याद रखिएगा, 9 राज्य। तो स्थलीय और जलीय सीमा आप अच्छे से समझ रहे हैं। जलीय सीमा और स्थलीय सीमा को चलिए फटाफट से चर्चा कर लेते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि म्यांमार है या फिर चाइना है, इनके साथ हमारा कौन कौन सा बॉर्डर टच होता है, उसका क्या नाम है। चलिए फटाफट अपना सामान पैक करिए, और मैं आपको सबसे पहले लेके जा रहा हूँ बांग्लादेश। बांग्लादेश में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आप कहोगे साहब और भी तो देशों की सीमा लगती है, लेकिन बांग्लादेश से शुरू क्यों किया? तो आप ये समझ लीजिएगा, जैसे मैं जिस देश की सीमा सबसे पहले आपको बता रहा हूँ भारत के राज्यों के साथ किन कितनों के साथ लगती है, ये इस बात का इशारा है कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री अगर भारत किसी भी अन्य देश के साथ बनाता है तो वो बांग्लादेश है। ओके, हाँ, यहाँ पर मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में बाउंड्री बिल्कुल नहीं बताऊँगा, क्योंकि किसी भी परीक्षा में ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बिल्कुल नहीं पूछी जाती है। तो जीएस पूछने का भी एक तरीका होता है साहब, ये थोड़ी पूछेंगे कि जिस कमरे में बैठ के आपने तैयारी की थी वहाँ कितने पंखे हैं, उसका भी एक लेवल होता है। तो चलिए बांग्लादेश से आपको मिलवाता हूँ। इंडिया और बांग्लादेश है ना, इन दोनों के बॉर्डर को क्या कहते हैं, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया और बांग्लादेश साहब, पहली बात, अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को कहते क्या है, इस बॉर्डर को क्या कहते हैं। तो साहब मेरा एक ही जवाब है, इसको आधिकारिक रूप से कोई नाम नहीं दिया गया है। साहब बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये एक सिलीगुड़ी पास है। सिलीगुड़ी एक जगह है जो वेस्ट बंगाल में पड़ती है साहब,
यहाँ ये रहा सिलीगुड़ी, ये जो स्ट्रेच देख रहे हैं आप, ये वाला स्ट्रेच अपने मनमोहक नेत्रों से आप देखिए, यहाँ है सिलीगुड़ी पास। ये 22 किलोमीटर लंबा चौड़ा सॉरी एक स्ट्रिप है, केवल एकलौता यही रास्ता है जो नॉर्थ ईस्ट को और इंडिया को लिंक करता है। इसको सिलीगुड़ी पास के साथ में एक और नाम दे देते हैं, इसको चिकन नेक भी कह देते हैं, चिकन नेक। आधिकारिक नाम नहीं है, फिर बता रहा हूँ आपको, बस नाम है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत फेमस है, 3 बीघा कॉरिडोर, ये भी बहुत फेमस है, 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, क्या था ये, सुनिए ध्यान से। इस तरीके से भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर हुआ करता था, जिसे 2015 में मोदी सरकार ने बिल्कुल सीधा कर दिया है। 2015 में एक एग्रीमेंट किया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसको हम लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने करीब 111 गांव दिए हैं बांग्लादेश को, एक बात, और बांग्लादेश ने लगभग 54 गांव दिए हैं इंडिया को इस बॉर्डर को स्ट्रेट करने के लिए, एक बात। तो इंडिया और बांग्लादेश का ये लिखा जोखा है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के साथ कितने इंडियन स्टेट्स की बाउंड्री है जो टच होती है। चलिए, सबसे पहले जो बाउंड्री टच होती है बांग्लादेश के साथ, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ, उसके बाद आसाम। मैं गाड़ियों के नंबरों के हिसाब से इनको लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कहाँ किसका क्या मतलब है, मैं पूरा नहीं लिखूँगा, टाइम सेविंग। बांग्लादेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये देखिए, ये त्रिपुरा है पूरा, और ये इधर मिजोरम, और नीचे जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना, ये पूरा बांग्लादेश है, ये वाला। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से लगते हैं। इसमें से SSC CGL 2013, CPO 2016, CHSL 2017 तीनों में क्वेश्चन आया है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे बांग्लादेश तीन ओर से घेरता है। ये देखिए, सिर्फ त्रिपुरा का सिर्फ ये वाला हिस्सा ओपन है, बाकी तीनों साइड से इसको बांग्लादेश ने घेरा हुआ है। तो त्रिपुरा के बारे में आप लिखेंगे, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी जानकारी आपको और देना चाहूंगा। ये बांग्लादेश है, ये वेस्ट बंगाल है, पूर्वी बंगाल। अब कई बच्चे डाउट में रहते हैं कि साहब ये दिशा तो भारत की पूर्वी है, नाम लिखा हुआ है पश्चिमी बंगाल, ये कैसे पॉसिबल है? उसका बड़ा सीधा सा जवाब है। आपको याद होगा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने भारत यानी कि बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का जो हिस्सा पूर्व में रखा गया उसको नाम दिया गया पूर्वी बंगाल, और जो पश्चिम दिशा में रखा गया उसका नाम रखा गया पश्चिमी बंगाल। ये बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया था, क्योंकि पूर्वी बंगाल में मुसलमान ज़्यादा थे और पश्चिमी बंगाल में हिंदू ज़्यादा थे। बाद में फिर यही जब देश आज़ाद हुआ तो पूर्वी बंगाल बन गया 1947 में पूर्वी पाकिस्तान, और 1971 16 दिसंबर 1971, थैंक्स टू इंदिरा गांधी, जो वर्ल्ड आपकी पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, यही पूर्वी पाकिस्तान आपका बन गया बांग्लादेश। तो आप ये कह सकते हैं कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर था, जो बनाया गया था, उस बॉर्डर का नाम था रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन ही ऐसी लाइन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में थी। तो बांग्लादेश का बॉर्डर भी रेड क्लिफ लाइन का हिस्सा है, बल्कि था। आज इसको रेड क्लिफ लाइन नहीं कहते, याद रखिएगा, क्योंकि आज ये पाकिस्तान नहीं है, आज ये बांग्लादेश है। ओके, चलिए, बांग्लादेश घूमाए आप, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। इसको आप एक एक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है साहब, नोट करते रहिएगा। बांग्लादेश के बाद आपको लेके चलता हूँ इंडिया और चाइना।
इंडिया और चाइना, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है, उसके बाद सबसे बड़ा बॉर्डर चाइना का लगता है। तो साहब, इंडिया और चाइना के बीच के बॉर्डर को मैकमोहन लाइन कहते हैं। ये 1914 में डिज़ाइन की गई थी, एक बात मैकमोहन लाइन। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़, कई बार बच्चे ये मिसकंसेप्शन कर देते हैं कि शायद ये जो चाइना का पूरा बॉर्डर है इस पॉइंट से लेकर और यहाँ तक, शायद इस पूरे को मैकमोहन लाइन कहते हैं। ऐसा नहीं है साहब, दरअसल ये हिस्सा पहले था तिब्बत का, एक ऑटोनोमस स्टेट था। तो सिर्फ और सिर्फ तिब्बत यानी कि चाइना का वो बॉर्डर जो अरुणाचल प्रदेश से लगता है, सिर्फ उसी को कहा जाता है मैकमोहन लाइन। याद रखिएगा, पूरे बॉर्डर को मैकमोहन लाइन नहीं कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब साहब, ये मैकमोहन कौन है? मैकमोहन एक ब्रिटिश अधिकारी का नाम है जिसने ये पूरा बॉर्डर मानचित्र पर पेन से बनाया है। वो कभी भी इस बॉर्डर पर वास्तविक रूप से नहीं आया। लंदन में एक कॉफ़ी हाउस है, लंदन कॉफ़ी हाउस, वहाँ पे उसने आराम से कॉफ़ी पीते पीते बॉर्डर बनाया है। और चाइना का स्टैंड इसमें बड़ा क्लियर है। चाइना कह रहा है कि साहब, हमारा और आपका बॉर्डर किसी अंग्रेज़ ने बनाया है, तो मैं इसको नहीं मानता। आइए बैठते हैं और इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। चाइना का स्टैंड ये है। लेकिन हमारे वाले इसमें हिंदी चीनी भाई भाई वाला ड्रामा खेल रहे हैं, जो कि जिसका एक परिणाम 62 में हम भुगत चुके हैं। तो भविष्य में देखते हैं इसका क्या हल निकलता है। लेकिन अभी ये मान के चलिएगा कि इंडिया और चाइना इस तरीके से जाना जाता है, ठीक है? इसके साथ कौन कौन सा स्टेट टच होता है? J&K साबिरा, इधर J&K, ये हिमाचल है, उत्तराखंड है ना, इधर सिक्किम आता है आपका, और साथ में अरुणाचल प्रदेश आता है। तो ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो चाइना के साथ, इंडिया चाइना बॉर्डर के साथ आपके टच होते हैं। इनको आप आराम से नोट करिएगा। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि किस क्षेत्र के साथ भारत और चाइना का विवाद है, अरुणाचल प्रदेश के साथ विवाद है, ठीक है? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना का विवाद क्यों है, क्या वजह है? एक वजह तो आपको पता लग ही गई है, क्योंकि बॉर्डर हमारा अच्छे से डिफाइंड नहीं है, है ना? लेकिन दूसरी वजह एक और ये है कि चाइना में और नॉर्थ ईस्ट में ये जो जितने भी स्टेट हैं, इनमें एक ही प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, मंगोलाइट प्रजाति के लोग पाए जाते हैं दोनों जगह। इनकी खास बात क्या है, मंगोलाइट प्रजाति के लोगों की? इनका जो चेहरा होता है साहब, वो छोटा होता है, आप यूँ कह सकते हैं, चेहरा भारी होता है। इनका जो कद है, कद छोटा होता है, बाल नुकीले होते हैं, एकदम नुकीले बाल, और पैर छोटे होते हैं, और मजबूत होते हैं, क्योंकि ये हिली एरिया है, तो आप समझ सकते हैं, है ना? और रंग इनका पीला होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी लोग रहते हैं और चाइना में जितने लोग रहते हैं, इनकी ये क्वालिटीज़ आपस में मिलती हैं, ये मंगोलाइट लोग कहते हैं इनको। तो सांस्कृतिक आधार पर भी नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा ज़्यादातर चाइना की तरफ नज़र आता है बजाय भारत के। तो एक ये दूसरी वजह है, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश के अलावा पूरे नॉर्थ ईस्ट पर अपना दावा ठोकता है कि ये तो मेरा है। लेकिन उसके कहने से थोड़ी होता है साहब, कल को तो वो कहेगा कि पंजाब भी मेरा है, ऐसे नहीं है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके निकल के सामने आती हैं। इसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बार आप ये भी सुनते हैं, LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये कई बार आप सुनते हैं। तो दरअसल ये जो है, ये इंडिया और चाइना के बीच में एक आर्मी स्टैंड ऑफ लाइन है, जो कि आती है यहाँ, ये है LOAC। क्योंकि 1962 में ये डिसाइड की गई है, जब हमने चाइना के साथ युद्ध किया था, वो हम हार गए थे। तो LOAC भारत और चाइना की बाउंड्रीज़ को डिफाइन करता है। कौन सी बाउंड्रीज़ को? मिलिट्री बाउंड्रीज़ को, ना कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ को, ठीक है? चलिए, बांग्लादेश
आपने अच्छे से घूमा, चाइना घूमे, इसके बाद मैं आपको पाकिस्तान लेके चलता हूँ। पाकिस्तान, पाकिस्तान यहाँ लिख लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। फिर से वही बात, रेड क्लिफ एक व्यक्ति का नाम है जिसने इस बाउंड्री को डिसाइड किया था। कौन सी बाउंड्री? ये वाली बाउंड्री, ये देख रहे हैं आप, ये जो कांटेदार बाउंड्री है इधर पंजाब राजस्थान गुजरात वाली, 1947 में ये बाउंड्री आपकी डिसाइड की गई है। इसके साथ कौन कौन से हिस्से लगते हैं? बगैर किसी डाउट के J&K, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये चार स्टेट्स की बाउंड्री इसके साथ लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा हमारी J&K से लगती है। इसमें एक और चीज़ आ जाती है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल आपकी ये है साहब, दिस इज लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि ये पूरा ऊपर क्या है, POK है। तो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है 1971 की जो वॉर थी उसके बाद जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में, उसके तहत ये आपकी LOC डिज़ाइन की गई है। जैसे LOAC इंडिया और चाइना के बीच में आर्मी की लाइन है, वैसे ही LOC इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आर्मी स्टैंड ऑफ लाइन है, 1972 शिमला एग्रीमेंट। ओके, तो इस तरीके से LOC, LOAC, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में सीधे आ जाती हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से 1, 2, 3 देशों के बारे में आपने जाना। पाकिस्तान के बाद हम किसकी चर्चा करेंगे? नेपाल, वेरी गुड। इसके बाद हम चलते हैं नेपाल पर। देखिए, इंडिया नेपाल के बॉर्डर को कोई आधिकारिक नाम नहीं दिया गया है, ओपन बॉर्डर है। रिक्शा पकड़िए, उधर जाइए, उधर से रिक्शा पकड़िए, इधर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि हम विदेश घूम आए हैं। तो नेपाल के साथ साहब उत्तराखंड, UP, बिहार है ना, येरा बिहार, और साथ में वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य टच होते हैं। 1, 2 इधर बिहार है आपका, ये इधर उत्तराखंड है, ठीक है, बिहार, उत्तराखंड, UP, ये सिक्किम है, ऊपर वेस्ट बंगाल है आपका, ये तो 5 स्टेट इससे टच होते हैं। साथ में हम इसके बाद चलेंगे इंडिया और म्यांमार पर। देखिए, इंडिया म्यांमार बॉर्डर का भी कोई आधिकारिक नाम नहीं है, लेकिन ये बात 100% सही है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में जो आपका बॉर्डर है उसको बनाने वाला एक पर्वत है। स्वाभाविक है वो हिमालय का हिस्सा तो होगा ही, क्योंकि हिमालय पर्वत आपका पूरा ही फैला हुआ है। तो जो पर्वत इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर को बनाता है उसका नाम है अराकान-युमा पर्वत। अराकान-युमा पर्वत जो कि हिमालय का हिस्सा है ना, इस तरीके से यहाँ पर आपका फैला हुआ है, ये आपका पूरा अराकान-युमा पर्वत है ये। और एक और बहुत ज़बरदस्त जानकारी है, अराकान-युमा पर्वत आगे जाके पानी में डूब गया है, देख रहे हैं आप, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये पानी में डूब गया है, और डूबने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा हमें दिख रहा है वो आज अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप कौन से पर्वत का हिस्सा है, तो आप सही आंसर क्या देंगे? अराकान-युमा पर्वत, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखते हैं स्टेट, देखिए इधर साहब, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं जो म्यांमार बॉर्डर पर हैं। देखिए, इसमें त्रिपुरा का नाम नहीं आएगा, क्योंकि त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 1 ओर से इंडिया से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 स्टेट आपके लगते हैं म्यांमार से। इसमें एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, अभी है ना एक इशू था आपका रोहिंग्या मुसलमान, 2015 पेपर में आ चुका है CPO में, SSC में,
कि रोहिंग्या मुसलमान बांग्ला म्यांमार के कौन से प्रांत से आते हैं। म्यांमार में एक जगह थी राखीने प्रांत, तो ये म्यांमार के राखीने प्रांत से ये साहब आते थे। पेपर में अगर आए तो आप ये टिक कर सकते हैं, राखीने प्रांत म्यांमार में पड़ता है। ओके, तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच के में हम घूम आए हैं, दो बचे हैं, सात के साथ बॉर्डर लगता है, भूटान बच गया और अफगानिस्तान बच गया। चलिए साहब, इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को हम डूरंड लाइन कहते हैं, डूरंड लाइन। 1897 में ये लाइन डिज़ाइन की गई है, 1897 में। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, जैसे मैंने तीनों लाइनों का आपको ईयर भी दिया है साथ में, अगर ये आ जाता है पेपर में कि इन इंटरनेशनल बॉर्डर्स को इनके बनने की हिसाब से लगाइए, तो सबसे पुरानी है डूरंड लाइन 1897, उसके बाद रेड क्लिफ लाइन, ये वाली देख रहे हैं आप, उसके बाद आते हैं उसके बाद आएगी मैकमोहन लाइन दूसरे नंबर पर, पहले पे ये, दूसरे पे मैकमोहन लाइन, तीसरे पे रेड क्लिफ लाइन 1947। एक और चीज़, ये पाकिस्तान तो 47 में बनाया ना, उससे पहले इसका मतलब डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो डूरंड लाइन सबसे छोटी लाइन है वैसे तो, इससे पहले हमें भूटान को पढ़ना था, लेकिन कोई बात नहीं, याद रखिएगा अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी सबसे कम सीमा लगती है भारत के साथ, और वो भी किसके, सिर्फ और सिर्फ पीओके से। कायदे से मैं अगर आपको बताऊं तो ये हिस्सा भारत का है ही नहीं, ये हिस्सा भारत से संबंध ही नहीं रखता है, ना ही ये हिस्सा भारत का है। ये एक्साइज चीन है, इस पर चीन का हुक्म है, ये एलओ, ये आपका पीओके है, इस पर पाकिस्तान अपनी दादागिरी जमाता है। तो इस तरीके से डूरंड लाइन सबसे छोटी लाइन है भारत के साथ जो कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर टच होता है, याद रखिएगा। भूटान से हमारा जो बॉर्डर टच होता है उसका भी कोई नाम नहीं है, कुछ स्टेट है इसके साथ जो लगते हैं, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है, और आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये चार स्टेट इससे हमारे टच होते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, भूटान की बाउंड्री अफगानिस्तान से ज़्यादा है जो भारत से लगती है, सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान की, सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश की, यह याद रखना है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारी स्थलीय सीमा लगती है, उनको हमने अच्छे से बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, पेपर में कई बार आ जाती है साहब, है ना, जैसे कई बार आपसे पूछ लिया जाता है भारत के बारे में आपसे, कि भारत जो है इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति देखेंगे, अड़सठ डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट, 68 ये देशांतरीय स्थिति है, 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट। और यहाँ साहब एक जगह है जिसका नाम है कन्याकुमारी, 8 डिग्री नॉर्थ से ये 37 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ, 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट, ये हमारी है देशांतरीय स्थिति और ये है हमारी अक्षांश स्थिति। आने वाली कक्षाओं में मैं आपको बताऊंगा कि अक्षांश रेखाओं को हम लैटिट्यूड कहते हैं, देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ये क्या होती हैं हम आने वाली कक्षाओं में जानेंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो कन्याकुमारी है लेकिन यहाँ भी तो भारत है साहब, ये जगह देख रहे हैं आप, ये डॉट, इस डॉट का नाम है इंदिरा पॉइंट, ये 6 डिग्री नॉर्थ पर। तो एक्चुअल स्थलीय सीमा 8 डिग्री से है, लेकिन जो इंदिरा पॉइंट है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, साउथ मोस्ट टिप ऑफ इंडिया है, वो 6 डिग्री नॉर्थ पर है। तो कई बार पेपर में कैसे आ जाता है, स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट से अधिक अक्षांश स्थिति पर है,
यानी कि ज़्यादा लेटिट्यूड पोजीशन पर है या कम पर है, तो ज़्यादा पर है साहब, देखिए ये 8 पर है, वो 6 पर है, तो ऊपर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति। जलीय सीमा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जलीय सीमा में हम चर्चा करेंगे कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो बॉर्डर है उसे क्या कहते हैं, या भारत के चारों तरफ अलग अलग ये देखिए पानी की सीमाएं हैं, इनको क्या कहेंगे। लेकिन ये सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप ये नोट करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो परेशान करते हैं, रातों को नींद नहीं आती है, है ना। तो ये आराम से आनंद की मुद्रा में आकर इन्हें नोट करें, मुझे बताते रहें, ओके, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और ये सेगमेंट मैंने शुरू कर दिया है, पॉलिटी की भी मैं जल्द बहुत जल्द आपके साथ लेके आऊँगा क्लासेस। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू वेरी मच, और तैयारी करते रहिए।